नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत चीन सीमा विवाद में अजीत डोभाल की एंट्री। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर बात की, जिसमें वे वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों के जल्द से जल्द पीछे हटाने पर सहमति हुई है। डोभाल और वांग दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता से संबंधित विशेष प्रतिनिधि हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इस वार्ता को खुली और विचारों का व्यापक आदान प्रदान करार दिया तथा कहा कि डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को LAC से सैनिक के पीछे हटाने की प्रतिक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहिए। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। राज्य के गढ़वा के साथ पलामू और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावा में बारिश होने का अनुमान है। इन इलाकों में कुछ देर में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गरज और वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है, साथ ही वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। सरकारी स्कूलों के 50 लाख बच्चों को 9 माह तक मिलेगा सैनिटाइजर और मास्क। स्कूली शिक्षा और सक्षमता विभाग ने लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। संक्रमण से बचाव के उपाय के साथ विद्यालय खोलने के लिए होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रस्ताव तैयार किया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 35,447 सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 47,95,807 विद्यार्थियों के लिए 3 लेयर वाला 2-2 मास्क देने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही 20 ml के हिसाब से अगले 9 माह तक सैनिटाइजर दिया जाएगा। झारखंड में आज 55 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 24, रांची 10, सरायकेला 8, हजारीबाग 4, चतरा 3, लोहरदगा 2, कोडरमा 2, पलामू 1, लातेहार से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 2863 है, जबकि 2068 लोग स्वस्थ हुए और 20 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 7,20,346 है, जबकि 4,40,150 लोग स्वस्थ हुए और 20,171 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस बोकारो 15, चतरा 9, देवघर 12, धनबाद 67, दुमका 6, पूर्वी सिंहभूम 275, गढ़वा 14, गिरिडीह 20, गोड्डा 3, गुमला 35, हजारीबाग 35, जामताड़ा 0, खुट्टी 4, कोडरमा 46, लातेहार 7, लोहरदगा 23, पाकुड़ 4, पलामू 9, रामगढ़ 7, रांची 105, साहिबगंज 12, सरायकेला 57, सिमडेगा 3, पूर्वी सिंहभूम 16 मरीज एक्टिव हैं। 9वीं व 11वीं की विशेष परीक्षा नहीं होगी। जैक इस बार 9वीं और 11वीं की विशेष कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। दोनों कक्षाओं में करीब 26,000 विद्यार्थी असफल हुए हैं, जिन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। काउंसिल का कहना है कि 5 में से 4 विषयों में भी पास होने वाले अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। जब मूल्यांकन के वक्त ही कमजोर छात्रों को राहत दी गई है, तो ऐसे में अब विशेष परीक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता है। TPC ने MCC के एरिया कमांडर को मार गिराया। झारखंड में नक्सलियों के बीच जंग शुरू हो गई है। इसी जंग में MCC का एक एरिया कमांडर मारा गया है। रविवार की रात तृतीय प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादियों ने MCC के एरिया कमांडर को मार गिराया। घटना रविवार की रात को करीब 8:30 बजे की है। होम क्वारंटाइन में रह रही युवती की मौत। खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत गांव में 11 दिनों से होम क्वारंटाइन में रह रही 18 वर्षीय युवती की रविवार देर रात मृत्यु हो गई। सोमवार दोपहर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि पोस्टमार्टम से पूर्व शव का सैंपल जाँच के लिए भेजा जाएगा, साथ ही पोस्टमार्टम में पूरी एहतियात बरती जाएगी। मृतक के पिता के अनुसार 11 दिन पूर्व ही जहानाबाद बिहार से वापस लौटी थी। झारखंड कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर नहीं, दीपक प्रकाश। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रसाद ने कहा है कि हेमंत सरकार अपराधी सरकार है। 6 माह के शासन में अपराध एवं उग्रवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त है। प्रकाश ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में सुनियोजित के तहत प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत अत्यंत चिंताजनक है। प्राथमिकी का अधिकार मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र नहीं, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र कोई वैधानिक संस्थान नहीं है।
या किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी केस की मॉनिटरिंग भी जनसंवाद केंद्र नहीं कर सकता। प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का काम है। एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सीएम जनसंवाद केंद्र की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को निरस्त करते हुए मुख्य सचिव और महाधिवक्ता को अदालत के आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। समय के अभाव की वजह से आज आपको 25 वीडियो नहीं मिल पाए हैं, तो कल से आपको 25 वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।